आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का वर्धंती के बरसी के मौके पे आज प्रेस मीट में एक प्रेस मीट यहाँ पे बशीरबाग क्लब में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ बताने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे एक तो कलाम ऑब्जर्वेशन सेंटर, हम हैदराबाद और ये दोनों भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अलग अलग स्कूलों में ये कलाम ऑब्जर्वेशन सेंटर बोल के एक प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके द्वारा ये आए दिन जो भी आपको ये सैटेलाइट लॉन्चेस हो रहे, रॉकेट लॉन्चेस हो रहे और जो ये सैयारों के बारे में, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कलाम ऑब्जर्वेशन सेंटर का हम लोग आज स्टार्ट किए। इसमें हम लोग स्कूल्स को भी हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल में हम लोग आपके स्कूल में अगर ये कार्यक्रम करना चाहेंगे तो आपको भी हम लोग बुला रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अपना अगस्त महीने में हमारे को अपने को दो ग्रहण है, एक जो है चंद्र ग्रहण है और एक दूसरा है सूर्य ग्रहण। सो ये चंद्र ग्रहण जो है ना, ये 7 तारीख को हमारे को 7 अगस्त को ये हो रहा, उस दिन आपको रात में आपको ये ग्रहण को आप देख सकते। ये ग्रहण एक्चुअली पार्शल है, मतलब पूरा आपको चांद पूरा आपको कवर हुआ ऐसा नहीं देखेगा, केवल एक पार्ट मून का आपको कवर है ऐसा रहेगा इसमें। दूसरी बात जो है 21 अगस्त को आपको एक सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण आप नहीं देख सकते, क्यों बोले तो ये अपने देश में नहीं दिख रहा। ये हमारे को ये जो 21 तारीख का जो अगस्त का है ये खाली अमेरिका और उस वो एरिया में आपको ये दिखेगा। तो टोटली दो ग्रहण हमारे को है। तो ये जो 7 तारीख को 7 अगस्त को जो ग्रहण होने वाला है ये देखने के लिए हैदराबाद के GHMS एरिया में और एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हम लोग एक 100-150 जगहों पे डायरेक्ट देखने के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। ये देखने के लिए अगर इसके डिटेल्स आपको चाहिए तो www.planetkalam.com वेबसाइट में अगर विजिट करेंगे तो आपको डिटेल्स रहेगा। ये सब ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों बोले तो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा, साइंटिस्ट भी 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं। फिर भी हमारे और एक क्या है, अपने सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में प्लैनेट्स के बारे में उसमें हम पढ़ा रहे, पर क्या हो रहा, ये प्लैनेट्स को देखने का इंतजाम कहीं नहीं हो रहे। कहीं भी आज तक बच्चे टेलीस्कोप नहीं देखे, जो टीचर उनको पढ़ा रहे वो टेलीस्कोप उन्होंने भी उनके ज़िंदगी में कभी टेलीस्कोप नहीं देखे ऐसा है। इसलिए कल के साइंटिस्टों को, कल के साइंसदानों को अगर हम लोग को आगे लेके आना है तो ग्रहण जैसे कार्यक्रम उनको बच्चों को दिखाना होगा और ये जो सैटेलाइट्स के बारे में पूरी तफसील से उनको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली देते रहना चाहिए। तो देखिए जब कभी भी ये ग्रहण हो रहे तो क्या हो रहा, आवाम के दिलों में एक तरह का एक फियर, एक तरह का एक भय आंदोलन अब देख रहे। वो बोलो कैसा बोले तो थोड़े लोग क्या बोल रहे, ये ग्रहण होने के वजह से पूरा जलजला आएगा, नहीं तो पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, ये ग्रहण के टाइम पे एक काइंड ऑफ पॉइजनस रेज आएंगे बोल के वो लोग प्रचार ऐसा कर रहे, वो पूरा गलत है। आज साइंस ये सब चीज़ों को पूरे तफसील से साइंटिफिक स्टडी कर चुकी है। ग्रहणों की वजह से इंसान को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट हम करना चाह रहे क्या है बोले तो, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते उनके दिलों में बहुत सा एक दहशत के ऐसा थोड़े लोग फैला रहे, क्यों बोले तो ये ग्रहण के वजह से पैदा होने वाले बच्चों को थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे बोल के वो लोग प्रचार कर रहे। और एक उनको ग्रहण के दिन वो टाइम पे खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, जैसे बैठे वैसे ही बैठो बोल के वो लोग ऐसा एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे, मिसकंसेप्शन है। हम रिक्वेस्ट ये की कर रहे, अगर आप भगवान का नमस्कार करना चाह रहे हो तो करने में कोई बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है, पर ऐसे भयों को आप, फियर्स को आप दिल में रख के, और अगर आप मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे, फूड टाइम पे नहीं लेंगे तो डेफिनेटली होने वाले बच्चों को प्रॉब्लम होएगा। इसलिए जैसा नॉर्मल डेज में आप रहते उस दिन भी वैसे ही रहिए बोल के हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। मेरा नाम रघुनंदन कुमार है, मैं प्लैनेटरी सोसाइटी इंडिया का डायरेक्टर और फाउंडर सेक्रेटरी हूँ।